अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइब्रेटर, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। ये एक आइडियल केस होता है। ये हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर वाइब्रेशन हो रही है या कपल्ड वाइब्रेशन हो रही है, जिसमें ये वाला जो एटम है ये इस तरफ को मूव करेगा और ये वाला एटम इस तरफ को मूव करेगा। मतलब ये स्ट्रेचिंग हो रही है, जैसे रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेच करेंगे तो ये एक एटम इधर चला जाएगा और दरमियान में इसके बॉन्ड में स्ट्रेचिंग हो गई है। ठीक है, फिर हम मजीद इसमें स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसको हमने स्ट्रेच किया, पहले ये इस तरह से हुआ, उसके बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन है, जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। पीरियोडिक मोशन भी इसको कहते हैं और हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में बैक और फोर्थ मूवमेंट हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल में। हम यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हर टाइम के बाद, हर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती रहती है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं, एक ही पाथ के अलॉन्ग इसका ओरिजिन वही रहेगा। तो इस तरह के जो मोशन है वो हमारे पास होती है वाइब्रेशनल मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी होती है IR रेडिएशन। तो फिजिक्स में आप लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था, एक स्प्रिंग अटैच है किसी भी वॉल के साथ, जिस तरह से हमने ये पीछे देखा है, ये देखें यहाँ पे ये डीकपल्ड वाइब्रेशन है, जिसमें ये वाला जो बॉडी है ये अटैच है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन यहाँ इस वाले में, बी वाले में वाइब्रेशन हो रही है। तो इस तरह की हुक्स ने भी एक लॉ दिया था, उस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या माइनस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसे हम माइनस रीस्टोरिंग फोर्स को हम कह सकते हैं एफ, तो माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या इसको कहते हैं माइनस एफ। अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी है, तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ गया है के, जिसे कहते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा फिर, तो प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स इक्वल होती है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पहले रीअरेंज कर लिया हमने टू डी एक्स, उसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट में v इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। फोर्स की जगह पे ये जो वैल्यू हमने लिखी थी माइनस के एक्स वो पुट कर दिए, तो यहाँ पे बाहर माइनस था, अंदर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया के एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गई है पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप लोगों को पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास मैस इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स की वैल्यू इक्वल है माइनस के एक्स के, और एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मैस को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये हमने रीअरेंज कर लिया, माइनस के एक्स ओवर एम, ये वाला जो एम था इसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो डिवाइड में हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जो माइनस वाली टर्म थी उसको इस तरफ ले आए हैं, तो ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स ओवर एम इज इक्वल टू जीरो हो गया। हमने इसको रीअरेंज किया ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन के ओवर एम हाफ, या इसको कहते हैं अंडर रूट टी। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, कोई भी हार्मोनिक मोशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू टी से। तो यहाँ पे न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, टी टाइम है, तो ये इक्वेशन नंबर ई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर डी और ई को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, ए साइन के ओवर एम हाफ टी इज इक्वल टू ए साइन टू पाई न्यू टी आ गया। तो यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें, ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ ए है, साइन भी दोनों तरफ है, टाइम भी दोनों तरफ है, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, न्यू टू पाई न्यू और के ओवर एम अंडर रूट। तो हमने न्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, न्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 पाई दूसरी तरफ चला जाएगा
और वो 1/2π हो जाएगा। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेव नंबर में भी। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है वेव नंबर इंटू सी के। तो हम यहाँ पे निकालेंगे न्यू को, फ्रीक्वेंसी को हम वेव नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है वेव नंबर को हम लिखते हैं वी बार, न्यू बार से, ठीक है, न्यू बार इंटू सी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इसे वेव नंबर में चेंज कर रहे हैं। वेव नंबर का क्या मतलब है कि इसको हम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सी से डिवाइड कर दिया है और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है पर सेंटीमीटर में है। तो ये फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये तो इसका था क्लासिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम ट्रीटमेंट या क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। ई इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच न्यू। एच हमारे पास है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी, और वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो आप यहाँ पे खुद से एनर्जी कैलकुलेट करके देखें, ये देखें एनर्जी है, तो वी की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें, या यहाँ पर वी, ये वी की वैल्यूज है, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, वी वन है, वी जीरो है, वी वन है, वी टू है, वी थ्री है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वी की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें तो क्या आंसर आएगा, 1/2 एच न्यू। तो यहाँ पे जीरो लेवल पर ये देखें हमने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, हाफ एच न्यू। इसी तरह जब v की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2 एच न्यू। यहाँ पे आप v की जगह पे 1 कैलकुलेट कर, 1 पुट करके देख लें तो ये आंसर आ जाएगा 3/2। उसके बाद इसी तरह आप लोग जब v की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5/2, v की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 7/2। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ये भी क्वांटाइज्ड होती है, सेम उसी तरह से जिस तरह से रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये हमारे पास एनर्जी आ गई है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम ये भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। इसका भी सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब ये फर्स्ट लेवल पर जा सकता है और 1-1 लेवल नीचे आ सकता है। ये डायरेक्ट 0 से 3 लेवल पर नहीं जाएगा, ये 0 से 7 लेवल पर नहीं जाएगा, 0 से 8 लेवल पर नहीं जाएगा, बल्कि ये 0 से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल तक ही जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो आउटकम्स आए हैं वाइब्रेशनल एनर्जी के या वाइब्रेटर के, तो वो क्या आए हैं, फर्स्ट वन है कि एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज क्वांटाइज्ड। ये देखें क्वांटाइज्ड कैसे है कि अगर मॉलिक्यूल के पास सपोज बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 7/2 एच न्यू एनर्जी है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो इतनी एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो कितनी एनर्जी करेगा, वो सिर्फ इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो फर्स्ट लेवल तक चला जाए, ठीक है। इसी तरह इसकी जो सारे लेवल हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका जो आउटकम है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के थ्रू हम इसकी एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हमें वी का पता नहीं है तो हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकेंड आउटकम ये है कि एनर्जीज आर डिटरमिंड बाय वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इसका जो आउटकम है वो ये है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है या वाइब्रेशनल वाइब्रेटर में हम एनर्जी, अगर जीरो पॉइंट एनर्जी बात करें तो वो जीरो नहीं होती, वो इक्वल होती है हाफ एच न्यू के। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स अगर जीरो लेवल पर हैं, ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल हम ग्राउंड लेवल को कहते हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल पर हैं तो भी उनमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो हर टाइम उनमें कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, वो जीरो लेवल पर कभी भी नहीं होते। तो ये हमारे पास 3 आउटकम्स हैं वाइब्रेटर के।